का जो दूसरा फेज शुरू हुआ है उसके तहत यहाँ भदरा में भी कंप्लीट लॉकडाउन है। कर्ज और रिस्ट्रिक्शन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की जानिब से है। इक्का दुक्का लोग ही बाहर घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको असेंशियल कमोडिटीज़ की जरूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, और किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और बहुत से मसाइल यहाँ पर लोगों को आ रहे हैं जिनमें 4G की भी बात उठ रही है। यहाँ के जो नौजवान हैं उनका कहना है कि जल्दी से जल्दी जो है 4G यहाँ पे चलाया जाए ताकि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो अटेंड कर सके स्टूडेंट। उसके अलावा भद्रवाह के कई लोग मौसम सरमा में विंटर वेकेशन के लिए जम्मू गए थे और जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में वो फंसे हुए हैं। जम्मू में उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है, वहाँ पे राशन उनके पास नहीं है, पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। कुछ मुलाजम हैं, कुछ मजदूर थे, उनको भी लाने के लिए कुछ प्रशासन से किया जाए। कई फ़ोन हमें आए, उन्होंने गुजारिश की स्टेट गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि उनको भद्रवाह खत्ताई चिनाब के इलाकों में वापस लाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। वहीं भद्रवाह के नौजवान इन दिनों ज़्यादातर सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं और सबका यही मानना है कि हमें अडेयर करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लॉकडाउन है, इसको अडेयर करना चाहिए, घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर हम कोई मेडिसिन या असेंशियल ज़रूरी, बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में अगर घर से बाहर भी निकलना पड़े तो मास्क निकाल के बाहर लगा के बाहर निकलें, हाथ बार बार धोएं घर में। तो जो भी गाइडलाइंस और डायरेक्शंस WHO यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जा रही है उनको माने। वहीं आम आदमी जो भद्रवाह का है उसका कहना है कि जो भद्रवाह में अभी तक सेफ है भद्रवाह, इसके लिए सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक जहाँ यहाँ के लोग हैं, वहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस है, सिक्योरिटी फोर्सेज है। जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन का आह्वान किया था और ऐलान किया था तब से ही एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए, लोगों ने भी भरपूर साथ दिया है और कोई भी वायलेशन अभी तक नहीं किया है, जिसका यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और लोग पालन कर रहे हैं सारे दिशा निर्देश जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं।